गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली अक्सर जानलेवा साबित होती है। इस समय जो लोग खेतों में काम करने वाले हैं या फिर जब आकाशीय बिजली चमकती है तो पेड़ों के नीचे कुछ लोग छुप जाते हैं, या फिर इस समय जो तालाब में लोग नहा रहे होते हैं वो लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने का उनको खतरा ज़्यादा होता है या संभावना अधिक होती है। पर इसकी चपेट में आने से बचने के उपाय करके हम इससे बच सकते हैं। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी सभी लोगों को सतर्क करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कई गाइडलाइंस बताई जाती हैं। अगर हम उनको ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जब आप घर के अंदर होते हैं तब आप आकाशीय बिजली से कैसे बचें, क्योंकि घर के अंदर भी आकाशीय बिजली गिरने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज़ क्यों रहते हैं, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे बिजली से संचालित जो उपकरण हैं उनसे आप दूर रहें, जैसे तार वाले टेलीफोन जो कि पहले ज़्यादा चलते थे आजकल बहुत रेयर मिलते हैं, पर उनका उपयोग बिजली कड़कते समय ना करें। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। इस समय आप छत पर जाने या फिर आंगन या बरामदे में जाने से बचें, ठीक है। किसी और अगर आप सड़क में चल रहे हैं, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, उसी समय बिजली चमक गई और बादल कड़कने लगे तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास कोई पेड़ है तो उसके नीचे नहीं छुपना है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अगर आप पेड़ के नीचे छुपे तो आप पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको उस समय क्या करना है, आप ध्यान दें कि उस समय अगर आपके आसपास कोई मकान है मजबूत तो उसका आश्रय लें, ठीक है। सफ़र के दौरान अपने वाहन के अंदर ही रहें। अगर आप किसी गाड़ी से इधर उधर जा रहे हैं तो इस समय बाहर ना निकले अपनी गाड़ी से, ठीक है। तालाब हो गए उनसे दूर रहें, पानी वाली चीज़ें, टेलीफोन के खंबे हो गए उनसे दूर रहें, तार हो गए, मशीन्स जो होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इस समय पे कई लोग अगर बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं, बिजली कड़कती है या ऐसा कुछ होता है तो लोग चिपक जाते हैं या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी जगह समूह में जा रहे हैं या समूह में खड़े हैं तो आपको अलग अलग हो जाना है, दूर रहना है एक दूसरे से, एक साथ बहुत ज़्यादा चिपक के खड़े होना या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं खड़े होना है, नहीं तो बिजली गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों, कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि साथ में खड़े होने से क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि बिजली आखिर गिरती क्यों है। देखिए ऐसा होता है, जब बहुत आपने देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, और एकदम से हवा बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है और उसके बाद बारिश होती है बहुत तेज। तो उस समय क्या होता है कि धरती से जब बारिश के बूंदें उस पर गिरती हैं तो भाप जैसे निकलती है, गर्म जैसे आप गर्म तवे पे कुछ डालें तो एकदम से भाप निकलती है, छन्न से आवाज आती है। तो उसी तरीके से हमारी जब धरती गर्म हो जाती है उस समय बारिश होती है तो हमारी धरती से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो वो जो है बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ज़्यादा, तो उसी वजह से बिजली गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज पहली बारिश थी, इसकी वजह से जो है बिजली काफ़ी तेज़ कड़की और हमारे खटीमा में दो लोगों की इससे जान चली गई। ये बहुत दुखद घटना थी, हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम दुआ करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले जिनके साथ ऐसा हुआ, पर हम इन घटनाओं से सावधानी बरतना सीख सकते हैं। अगर किसी के साथ अप्रिय घटना होती है तो दुख तो होता ही है, पर उसके साथ साथ हम उससे सीख लें कि हमें उन चीज़ों को कैसे बचना है, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है बचना है, समूह में खड़े नहीं होना है, अलग अलग खड़े होना है, ठीक है। अगर आकाशीय बिजली चमक रही है और उसके साथ साथ कुछ लक्षण जैसे आपके सिर के बाल खड़े होना, त्वचा में झुनझुनी जैसी महसूस होना, तो आप फौरन नीचे झुककर अपने कान बंद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये आपको सूचक हैं इस चीज़ के सूचक हैं कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। तो अगर आपके त्वचा में झुंझुनाहट हो रही है, आपके सिर के बाल खड़े हो रहे हैं, तो फौरन नीचे सिर का घुटने के बल बैठ जाएं और सिर नीचे करके अपने कानों को बंद कर लें, ठीक है, तो आप बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो सूचक होता है वो बिजली गिरने का ही होता है, ठीक है। तो आपको और क्या क्या करना है बचने के लिए, देखिए अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं। अगर बिजली कड़क रही है, एकदम से बिजली कड़क रही है और आप कहीं सड़क में चल रहे हैं तो आपको बचने के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैर एड़ियों को जोड़कर उकड़ू बैठ जाना है,
और सिर नीचे करके कान बंद कर लेना, मगर वो आपका सिर जो है वो धरती से टच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपको धरती पे लेटना नहीं है। अगर आप धरती पे लेट गए और आपने सिर अपना टच कर लिया धरती से, तो आप पर बिजली गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको सिर्फ एड़ियों को जोड़कर उकड़ू बैठ जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर बिजली गिरने से बचना है तो आपके आसपास छतरी या फिर सरिया जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो लोग गांव में रहते हैं, खेतों के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, जैसे पुआल होता है, जैसे घास जैसी चीज होती है, पुआल से दूर रहना है। अगर बिजली कड़क रही तो उस समय पुआल से दूर रहें, क्योंकि उससे बिजली से जो है पुआल में आग लग सकती है और आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आसपास कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, पैरों के नीचे सूखी, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, कोई भी चीज सूखी या लकड़ी हो गई, या फिर बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैरों के नीचे बोरा डाल लें, तो आपको बिजली गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, बाई चांस किसी के ऊपर बिजली गिर गई है तो आपको क्या फर्स्ट एड लेना है, CRP। ठीक है, CRP देना है पेशेंट को। दूसरी बात, कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंशन, इसको हम कहते हैं कृत्रिम सांस लेना, कृत्रिम सांस देना। तो आप क्या है, पेशेंट को तुरंत कृत्रिम सांस दें, CPR दें। ठीक है, तो CPR दें, जिससे कि पेशेंट को आप तुरंत बचा सकें। और दूसरी बात, तुरंत आसपास जो चिकित्सालय है, कोई हॉस्पिटल है, वहां पर तुरंत पेशेंट को बचाएं और वहां पे उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तुरंत। ठीक है, तो इससे हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो आपको आकाशीय बिजली से बचने के लिए मैंने कई चीजें बताई, आप इन पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। जो हमारे किसान भाई हैं वो ध्यान रखें कि इस समय खेतों में रुपाई करने से बचें, जब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो उस समय अपने घर पे ही रहें, मौसम सही होने पर ही बाहर खेतों में जाएं। ठीक है, आप अपने घर के अंदर भी अपना ध्यान रखें। अपने घर के अंदर अगर बिजली कड़क रही है तो अपने इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, TV हो गया, ऐसी चीजों के प्लग निकाल दें, AC बंद कर दें, प्लग निकाल दें, नहीं तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। एक सवाल ये था कि क्या मोबाइल फोन भी बिजली गिरने पे, या मोबाइल फोन जिनके पास है उन पर भी बिजली गिर सकती है? बिल्कुल। देखिए, मोबाइल फोन क्या है, एक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो मोबाइल फोन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, उनके अंदर एक बहुत पावरफुल तरंगे निकलती है उनके अंदर से, तो वो जो है बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, तो उस समय अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दें। अगर आपके आसपास अपना मोबाइल है आपके पास, तो स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है बिजली आप पर गिर सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं आशा करूंगी कि ये वीडियो कई लोगों के लिए जो है हेल्पफुल होगी। और अगर आपको सवाल कोई पूछना है मुझसे हेल्थ से रिलेटेड, तो कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप मुझसे उस पर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, समय मिलने पे यूट्यूब के वीडियोज में जो सवाल आते हैं मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।